हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। ये हमारा जो क्लास रहेगी ये पॉलिटिकल साइंस की है, जिसमें हम 45 प्लस एमसीक्यूज देखेंगे। चैप्टर रहेगा हमारा शीत युद्ध का दौर और कक्षा है 12वीं। तो आइए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1991 में, 1949 में, 1947 में और 1939 में। तो इसका सही जवाब रहेगा 1947। लेकिन 1945 में, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, अगर 1945 रहता इसका आंसर, तो याद रखिएगा 1945 आपको लिखना है, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते ही जो है वो शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? ऑप्शन एक है वारसा पैक्ट, ऑप्शन दो है नाटो, ऑप्शन तीन है सीटो और ऑप्शन चार है सेंट्रो। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई थी। बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन एक है 1959, ऑप्शन 1902 है 1955, 1965 और 1975। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 1955 में बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। वारसा पैक्ट कब हुआ था? वारसा पैक्ट 1955 में, 1965 में, 1949 में और 1956 में। तो इसका सही जवाब रहेगा 1955 में जो है वो वारसा पैक्ट हुआ था। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार ऊपर पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में खड़ी की गई थी। तो इसका सन बताना है 1961, 1962, 1960 और 1965। तो इसका सही जवाब रहेगा 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। दो ध्रुवीय विश्व की में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? जो दो ध्रुवीय विश्व था उसमें पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नांकित में से किससे संबंधित है? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन जो है ये अमेरिकी गुट से संबंधित है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, अमेरिकी गुट से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962, 1961, 1964 और 1950। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिकी गुट से संबंधित है, अमेरिकी गुट से संबंधित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो वो था फ्रांस, इसने नेतृत्व अमेरिका के नेतृत्व का विरोध किया था नाटो में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए थे? यूरोप अमेरिका, अमेरिका सोवियत रूस, सोवियत रूस और यूरोप और अमेरिका और जर्मनी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत रूस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ में शीत युद्ध को जन्म दिया? तो इसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देशों ने महाशक्ति बनने के लिए जो है प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी, और इसी से एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? तो विश्व राजनीति के दो ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन सी, अमेरिका और सोवियत संघ। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने और कब की थी? तो जो वारसा संधि हुई थी ये सोवियत संघ के नेतृत्व में 1955 में हुई थी। नाटो की स्थापना जो अमेरिका ने करी थी, तो इसलिए सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट जो है वो बनाया था 1955 में। महाशक्तियों के बीच खींचतान का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? महाशक्तियों के बीच में खींचतान वो है यूरोप में बनी थी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, बाकी जो हमारे रहे हैं एमसीक्यूज ये हम शाम को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और आप लोग पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, बाय, थैंक यू।